अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस कैसे हैं आप लोग? गाइस आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर बहुत फ्रॉड चल रहा है और नए नए तरीके से फ्रॉड चल रहा है। वो किन किन तरीकों से फ्रॉड चल रहा है वो सारा इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं बंदों से मिला हूँ। कुछ तो आपको भेज के फ्रॉड कर रहे हैं और कुछ इंडिया के अंदर नहीं भेज के फ्रॉड कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में बताने वाला हूं। अगर आप सऊदी अरब या गल्फ के किसी भी कंट्री में जा रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो आपके 1.5 से 2 लाख रुपए ऐसे ही चले जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो आपको एजेंट बोलेगा कि भाई मेरे पास वीजे हैं कंपनी के, अब वो वीजे की क्वांटिटी 30, 40, 20 इस तरीके से रहती है और मेरे को 1,30,000 1,50,000 रुपए चाहिए और बाकी आपका मेडिकल ओडिकल का सब खर्चा अलग। तो हम लोग क्या सोचते हैं यार, चलो कंपनी में चलेंगे, अच्छा कामकाज हो जाएगा। दूसरी बात ये बोलता है कि अब वीजे हैं, काय के वीजे हैं, कि आपको होम डिलीवरी का काम दिया जाएगा बाय कार। अब आपने सोच लिया कि हाँ यार मैं ड्राइवर भी हूँ, चलो चलते हैं, काम अच्छा है। और माला में क्या लालच देगा वो आपको कि आपकी सैलरी इतनी है और आप इतना कमा सकते हो, आपको खाने का इतना मिलेगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसे उधार उधर लिए, मेडिकल कराया, ना तो वीज़ा देखा ना जानकारी ली, हम गए मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद बोलता है लाओ 20,000, 30,000, 40,000 दे दो ताकि मैं आगे का प्रोसीजर चालू करूँ। अब हम लोगों के दिमाग में आता नहीं है, खुशी के मारे दे देते हैं। अब आपका ये फर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको। अब आपको मालूम पड़ गया कि मेरे को सऊदी जाना है, आप बहुत खुश हो गए, आपने एजेंट से कुछ भी नहीं पूछा, आपका वीजा लग गया, टिकट भी हो गया। और टिकट कौन सा कराते हैं वो लोग पता है आपको? वो जो सबसे सस्ता टिकट होता है जिसके अंदर आपको ना तो चाय मिलेगी ना खाना मिलेगा। अब यहां से रियल कहानी चालू होती है। आपको बोला गया है कंपनी का, ठीक है, याद ये भी बोला जाएगा कि भाई कंपनी का काम है, सप्लायर कंपनी है। अब आपको ये नहीं मालूम, यहाँ का कुछ एबीसीडी नहीं मालूम, सप्लायर कंपनी होती क्या है? एक कंपनी होती है जो बहुत बड़ी होती है और एक सप्लायर होता है, कंपनी नहीं होती, वो खाली सप्लायर होता है, वो भी कंपनी लिखते हैं। अब वो क्या करता है, वो अपने बंदों को बुलाता है, उसको रिक्वायरमेंट है 30-40 बंदों की, वो वीज़ा भेज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भेज के वीज़ा बुला लिया। अब आपकी सैलरी कितनी है? यहाँ पर 12 बंदे आए हुए थे सेम इसी कैटेगरी के अंदर, उनको इंडिया के अंदर बोला गया कि भाई आपको कंपनी में भेज रहे हैं, आपकी सैलरी 1,000 रियाल है, 200 रियाल खाने का मिलेगा, आपको कार से जो सामान रहता है वो होम डिलीवरी करना पड़ेगा, खाने पीने का या तो फिर कुछ भी, उनको यहाँ बोल के लेके आया गया। बाद में उन लोगों को जो सप्लायर कंपनी का जो बड़ा सारा रिहाइश इलाका होता है जहाँ पे वो कैंप होता है रखने के लिए, उस कैंप के अंदर रखा गया। एक एक रूम के अंदर 8-8, 10-10 बंदे, सैलरी कितनी बताई? 1,000 रियाल और 200 रुपए खाने के, 200 रियाल खाने के। और बोला गया कि आप जब होम डिलीवरी करने जाएंगे तो आपको टिप भी मिलेगी, तो ये भी मिलेगा तो वो भी मिलेगा, उनको बोला गया। बंदे कितने आए थे? 12। सारे बंदे वापस इंडिया चले गए, 1 महीने के अंदर अंदर सब चले गए, खाने पीने रहने की बहुत परेशानी थी उन लोगों को, वो चले गए। बाकी के बंदे, बचे हुए बंदे थे, मुझे मिले कल रात को, उन्होंने मुझे ये कहानी बताई। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बना के बताऊं कि असली सिचुएशन क्या होती है और वहाँ पे एजेंट आपको कैसे बेवकूफ़ बनाता है। ये तो हो गया एक, जो दूसरा फ्रॉड चल रहा है लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे सतर्क रहना और कैसे चेक करना है। कैसे चेक करना है आपको, कंपनी का वीज़ा है, सप्लायर का वीज़ा है, काय का वीज़ा है, वो सब बताऊंगा मैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सेकंड जो फ्रॉड चल रहा है
वो आपको एजेंट बुलाएगा, कुछ भी यानी हाउस ड्राइवर का वीजा है, कंपनी का वीजा है, तो इसका वीजा है उसका वीजा, बुलाएगा वो अपने 200-300 बंदों को इकट्ठे करेगा, 1,00,000 से लेकर 1,30,000, ये इंडिया का बता रहा हूँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान का थोड़ा ज्यादा है। वो बंदों को ये बताएगा भाई कंपनी का काम है, मेरे पास वीजा है, वीजा ही बताएगा आपको, वीजा भी बताएगा ओरिजिनल। अब वो ओरिजिनल ले, आप सुनिए आपको चेक कैसे करना है, वो वीजा भी बताएगा, आपको बुलाएगा, आपका पासपोर्ट ले लेगा, आपका मेडिकल करा देगा, आपका सब कुछ कराएगा पूरा जेन्युइन तरीके से, सब कुछ गमका होगा, सब कुछ वो लेगा, बट आपका मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपसे बोलेगा आप पेमेंट का इंतजाम कर लीजिए, जाइए अपने घर और पेमेंट का इंतजाम कर लीजिए, जैसे ही आपका वीजा स्टैम्प होकर आ जाएगा मैं आपको बोलूंगा आप पैसे डाल दीजिएगा, मैं आपका टिकट करा दूंगा। खुश हो गए कि मेरा तो वीजा लग गया, मेरा वीजा लगने के लिए गया, मैं मेडिकल कराया। अब आप किसी से भी अपने रिश्तेदारों से दोस्त यारों से सबसे पैसा लेंगे, और पैसा लेने के बाद पता नहीं कहां कहां से उधार लेंगे, और लेने के बाद एजेंट आपको फोन लगाएगा आपका वीजा रेडी हो गया है, छप गया है, वो बताएगा भी आपको, उसकी फोटोकॉपी भी भेज देगा आपको, आप फोटोकॉपी देख के और खुश हो जाएंगे कि नहीं यार मेरा तो वीजा लग गया, मैं जाने वाला हूँ सऊदी। अब वो आपसे जो वीजा लगा है, अब आपसे जितना भी बाकी पेमेंट रहेगा वो सारा ले लेगा आपसे। सारा पेमेंट लेने के बाद वो जब पूरा सारा पैसा सब लोगों से इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उसको फोन लगाते रहोगे, आप ढूंढने भी जाओगे, ना तो वो एजेंट मिलेगा, ना आपका पैसा मिलेगा, ना आप कभी सऊदी आ सकते हैं, आपका पासपोर्ट भी गया, और पासपोर्ट मिल भी जाएगा तो आपका पासपोर्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं कैसे, वो लोग फोटोकॉपी करके ओरिजिनल करके उसको वो पासपोर्ट पर चिपका देते हैं, और आपको वो पासपोर्ट पर चिपकाए हुए फोटो को आपको बता देते हैं, मोबाइल पर सेंड कर देते हैं कि देख लो आपका पासपोर्ट वीजा छप गया है। अब वो कैसे करते हैं ये अपने मुझे नहीं पता, बट ये बहुत फ्रॉड चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी भी आ रहे हैं सऊदी अरब या गल्फ के किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, दुबई बहरीन कहीं भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले सावधानी रखें। अगर आप किसी भी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो जो वीजा आपको लास्ट वाली कंडीशन बता रहा हूँ, अगर आपको वीजा भेज रहा है दोनों कंडीशन में, आप उस वीजे को ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें उस कंपनी का नाम, और गवर्नमेंट की एक साइड है वहां पे सर्च करने के बाद वो वीजा नंबर डाले, आपको पता पड़ जाएगा कि वीजा डुप्लीकेट है, नकली वीजा है, असली वीजा है, उसका पूरा बायोडाटा आ जाएगा, क्योंकि गल्फ के अंदर जो भी कंपनियां हैं गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड है उनका पूरा बायोडाटा नेट के ऊपर उपलब्ध है। आप उसके द्वारा वीजा नंबर डालने के बाद आप पूरा वीजे का स्टेटस पूरा चेक कर सकते हैं कि वीजा किस कैटेगरी का है, कंपनी कैसी है, कंपनी में कितने वर्कर काम करते हैं, कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी के ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, ये सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा। पहली सतर्कता तो ये है। दूसरी, आप जब भी सऊदी आने के लिए एजेंट से बात करें तो उससे क्लियर बात करना कि भाई कंपनी का वीजा है या सप्लायर का वीजा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो सप्लायर होता है वो क्या करता है, अपने आदमियों को बुलाता है, 2-2, 4-4, 5-500 आदमी रहते हैं उसके कैंप के अंदर, उसको जहां भी जरूरत पड़ती है, किसी को जरूरत पड़ी 10-15 आदमियों की, तो वो 10-15 आदमियों को उधर उनको रेंट पे देता है। अब आपकी सैलरी कितनी, 1,000 रियाल, 200 रियाल खाने का, वो जो सामने वाले से लेगा वो 3,000 रियाल लेगा। आई बात समझ में? तो ये सप्लायर और कंपनी के अंदर फर्क होता है। तो एजेंट से पूरी बात करिएगा, सप्लायर में भेज रहे हैं तो मेरे आप सप्लायर में आ रहे हैं तो आपको मैंने सप्लायर का बता दिया कि सप्लायर की सिचुएशन ये होती है। अगर कंपनी में भेज रहा है तो कंपनी से पूछिएगा कंपनी का रूम है, खाना पीना है कि नहीं है, सैलरी कितनी है,
यहाँ पर 1500 रियाल से कम सैलरी में एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन आपको सैलरी कम में भेजा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और कुछ भी पूछना है आपको तो मुझे DM करके पूछ सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम ID का लिंक दे रहा हूँ नीचे में, आप उस पर इंस्टाग्राम पे मुझे हेट करके मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपका बिल्कुल जवाब दूंगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे आप नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो बंदों से भी मिलवाऊंगा जो आए इंडिया से, जो बाकी रह गए एक दो बंदे, बाकी तो सब चले गए, उनसे भी मैं आपको तारुफ करवाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी गरीब आदमी के पैसे बच सकते हैं। वो थोड़ी सी सावधानी रखेगा, उसके पैसे बच जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ये मेरी बात लोगों तक पहुँचाएँ। चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टेक केयर।